मार्च शुरू होते ही बलूचिस्तान में मौसमी बहार शुरू। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के अवाम साल के चारों मौसमों से लुत्फ अंदोज होते हैं, क्योंकि चाहे क्वेटा के मगरिब हो या मशरिक, शुमाल हो या जनूब, इनमें कई इलाकों में हद से ज़्यादा सर्दी होते हैं तो कई इलाकों में हद से ज़्यादा गर्मी। अगर बलूचिस्तान के मगरबी या जनूबी इलाके को देखा जाए तो वहाँ पर तकरीबन साल के 12 महीनों में 8 महीना बहुत सर्द और 4 महीना मौसम गर्म होते हैं। इसी तरह अगर मशरक शुमाल को देखा जाए तो वहाँ तकरीबन 8 महीना बहुत गर्म, 4 महीना मौसम सर्द बल्कि अच्छा होता है। इनमें से बलूचिस्तान के वाहिद ज़िला दारुल हुकूमत क्वेटा है, जहां चारों मौसम चार चार महीने के लिए आते हैं। न क्वेटा में हद से ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी। अगर सर्दी की बात करूं तो क्वेटा के लोग दिसंबर जनवरी में भी अपने काम धंधा दफ्तर या रिश्तेदारों के पास फैमिली यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हैं। अगर जून जुलाई अगस्त में गर्मी को देखा जाए तो क्वेटा वाले दिन के 12 एक बजे भी इधर उधर घूमते फिरते हैं। रोज़ाना मतलब दिहाड़ीदार तबका गर्मी से बग़ैर खौफ व ख़तरे अपना काम करते हैं। इसी वजह से तो अंग्रेजों ने क्वेटा को लिटिल पेरिस का नाम दिया था। और क्वेटा के लोग क्वेटा को कोटा जन्नत का टोटा कहते हैं। अगर किसी ने क्वेटा के चार चार माह बदलने वाले मौसमों को नहीं देखा तो समझो उसने कुछ नहीं देखा है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी और सेहत रही तो आने वाले हफ्ता फिर किसी दूसरे शहर की हिस्ट्री आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो में जो अच्छा लगा या बुरा लगा अपने कमेंट में हमें आगाही देना। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, सिर्फ इतना कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। थोल टीवी बलूचिस्तान पर सनसनीखेज, दिलचस्प, मजाया, नए गजल, सियासी इंटरव्यूज, बलूचिस्तान के तारीखी मकामात और साइल वसाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने से पहले सेट में घंटी के निशान पर जरूर अंगूठा लगाएं।